अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और वेलकम करता हूं आपको टीम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में। तो बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है सऊदी अरब फ़्लाइट्स के मुतलक। आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब की फ़्लाइट्स पाकिस्तान, भारत और नौ और ममालिक हैं जिन पर पाबंदी लगी हुई कि वहाँ से कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं जा सकती मुसाफरों को लेकर। लेकिन बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो दूसरे ममालों को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन था वो था अफ़गानिस्तान का। तो अब अफ़गानिस्तान में पाबंदी लगी हुई है, अफ़गानिस्तान से भी कोई बंदा सऊदी अरब ट्रैवल नहीं कर सकता। डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी अरब से आप सऊदी अरब आप अफगानिस्तान से भी नहीं जा सकते। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग जो इस रस्ते को इख्तियार करके सऊदी अरब जा रहे हैं, टिकट बुकिंग हो रही है सब कुछ, बहुत ज़्यादा लोग इस रस्ते को सऊदी इख्तियार करके सऊदी अरब जा चुके हैं। अगर आपका भी सऊदी अरब जाना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स जब तक बहाल नहीं होती, अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आप इस रस्ते को इख्तियार करके सऊदी अरब जा सकते हैं। मुकम्मल न्यूज़ आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस न्यूज़ चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो न्यूज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो आप लोग पाकिस्तान से अजबिकस्तान जा सकते हैं और अजबिकस्तान से डायरेक्ट आप सऊदी अरब जा सकते हैं। ये चार पांच ममालिक हैं, अजबिकस्तान, ताजिकस्तान, ये वो। तो यहाँ से आप अगर इनकी टिकट लें, टिकट लेने के बाद आप सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं। आसान, बहुत ही आसान तरीका है, इसकी टिकट भी बहुत कम है और उसके अलावा जो क्वारंटीन पैकेज है वो भी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस के जो केसेज हैं वो बहुत ही कम है। जैसे कोई लेटेस्ट एवर अपडेट आई है आप लोगों से सबसे पहले शेयर की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ।